बॉलीवुड फिल्मों में विलेन का रोल करने वाले एक्टर महेश आनंद का शनिवार को निधन हो गया। उनकी डेड बॉडी उनके वर्सोवा स्थित घर से मिली। महेश आनंद 57 साल के थे। पिछले 18 सालों से वो फिल्मों से दूर थे और उनके पास में कोई काम नहीं था। आखिरी बार उन्हें इसी साल रिलीज हुई गोविंदा की फिल्म रंगीला राजा में देखा गया था। इस फिल्म का निर्देशन पहलाज निहलानी ने किया था। महेश आनंद की शॉकिंग डेथ के बाद में बॉलीवुड के पॉपुलर विलेन शक्ति कपूर ने महेश को लेकर कई सारे बड़े खुलासे किए हैं। शक्ति कपूर ने बताया कि अपने आखिरी समय में महेश बहुत अकेले हो गए थे, महेश डिप्रेशन में चले गए थे क्योंकि उनके पास में काम नहीं था, इसी कारण उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया था। शराब के नशे में ही लोगों को कॉल करने लगे थे वो। आपको बता दें, महेश आनंद अपने मुंबई स्थित फ्लैट में मरे हुए पाए गए। ये जानकारी तब मिली जब उनकी बहन और पुलिस फ्लैट के अंदर दाखिल हुए। आपको बता दें, महेश ने 2 दिनों तक घर का दरवाजा नहीं खोला, जिसके बाद पुलिस को बुलाना पड़ा। जब पुलिस महेश के घर के अंदर गई तब शराब से भरा एक गिलास लाश के पास मिला। महेश आनंद की मौत की खबर ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। 80 और 90 के दशक में महेश ने कई सारे बड़े स्टार्स के साथ में फिल्मों में काम किया है। महेश ने शहनशाह, मजबूर, थानेदार, विश्वात्मा, खुद्दार, विजेता, कुरुक्षेत्र जैसी कई सारी बड़ी फिल्मों में काम किया था।